नमस्कार नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं जनादेश 2024 और इस वक्त मैं गिरिडीह विधानसभा में मौजूद हूं। दरअसल हम लगातार कवरेज कर रहे हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की, जहां पर वर्तमान के प्रत्याशी आजसू के चंद्रप्रकाश चौधरी है, यानी कि एनडीए के प्रत्याशी है। और अगर आप देखें तो मथुरा प्रसाद महतो जो है सामने प्रत्याशी है, यानी कि विपक्ष के प्रत्याशी है, जेएमएम के प्रत्याशी है। फिलहाल क्योंकि यहाँ की जनता मेरे साथ जुड़ गई है, बिना समय गवाए जनादेश 2024 के तहत अपनी जनता से जुड़ते हैं और समझते हैं कि यहाँ का समीकरण क्या है। गिरिडीह विधानसभा में है सुदेव कुमार, यहाँ पे जो है विधायक भी है, ऑल ओवर देखा जाए तो सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी है, विधायक जेएमएम से है और चंद्रप्रकाश चौधरी जी आजसू से। दोनों ने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया? चंद्रप्रकाश चौधरी जी ने तो काम किए हैं, लेकिन मोदी गवर्नमेंट में जितना काम हुआ है उसके बनिस्पत यहाँ काम कम हुआ है। क्यों हुआ है इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन क्या है, जैसे अगल बगल के सभी अपने जो राज्य हैं उसमें 24 घंटे बिजली है, यहाँ पे अपने को गिरिडीह में 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा से ज़्यादा बिजली नहीं मिल रही इस गर्मी में भी। तो काम हुआ है तो काम दिखना भी चाहिए, काम अभी दिख रहा है, जैसे सड़क के क्षेत्र में काम दिख रहा है और रोजगार के क्षेत्र में दिख रहा है। बट क्या है कि ये जो मौलिक जरूरत है, जो अपनी बिजली पानी सड़क शिक्षा, ये सब में गिरिडीह का विकास कम दिख रहा है। अच्छा, आप एक बात बताइए, तमाम नेता है स्टेज पर जाते हैं और एक भाषण देते हैं। आज भी हम कवरेज कर रहे थे नामांकन की, कि 400 पार का नारा है, बुलंद नारा है, कई सारे फूल जो है झारखंड से दिल्ली पहुंचेंगे। आपके नेताओं ने काम किया है फूल पहुंचाने का दिल्ली? देखिए, आपकी बात 400 पार का नारा मोदी जी दिए हैं, मोदी जी अपने काम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन अगर ये आप बोले लोकल हमारे जो सांसद है उनके काम पर वोट मिले तो वोट नहीं मिलेगा, लेकिन मोदी जी का जो काम है उस पर जनता वोट देगी, ये हमको लग रहा है कि इस पर जनता वोट देगी और उनका जो नारा है आपकी बार 400 पर शायद समझता पूरा होगा। मतलब जनता को चेहरे पे भरोसा करना पड़ेगा, वर्तमान के प्रत्याशियों पे दोबारा से दांव लगा है तो भरोसा जो है डगमगा रहा है। इतना डर क्यों है आखिर जनता के मन में? कोई जनता में डर नहीं है, मोदी के नाम पर एनडीए प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी जी को वोट मिलेगा और जीतेगा। चलिए, ये तो जीत बता दी आपने, पिछले 5 साल का काम भी बता दीजिए क्या है। 5 साल में बहुत अच्छा काम हुआ है, किस काम की बात करते हैं, सारे काम तो हुए हैं। और थोड़े मोड़े जन समस्या नहीं रहेगी तो चुनाव कहाँ होगा और लड़ेंगे कहाँ, काम की मांग कैसे करेंगे जनता? बिल्कुल आपने सही कहा, फिर लोकतंत्र के महापर्व का कोई बेनिफिट नहीं होगा। नेता अगर वादे नहीं करेंगे और वो जुमलों में तब्दील नहीं होंगे तो कैसे काम होगा? थोड़ा सा आगे की तरफ आइए, यूथ कहता है नौकरी चाहिए शिक्षा चाहिए, दोनों फैक्टर के अगर देखे तो गिरिडीह का क्या हाल है? गिरिडीह का हाल तो बहुत बुरा है, हम लोग को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे आज के डेट में देख लीजिए, बिजली और पानी का सबसे बड़ा समस्या है, जो हमारे वर्तमान के एमपी साहब हैं वो तो कभी दिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी सारे लोग मोदी जी के नाम पे उनको वोट दे रहे हैं। तो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं प्रत्याशी, ऐसे ही कह लीजिए। काम तो वैसा उनका कुछ हुआ नहीं है, बस मोदी जी के सहारे। अच्छा सर, आगे आइए ना, पीछे से बात कह रहे हैं, खड़े हो गए, आगे से कैमरे पे कहिए, सांसद जी की मुंह दिखाई हुई? नहीं, लापतागंज रहते हैं ये सांसद जी। हाँ, ये मोदी के नहर में खाली जीत रहे हैं, गिरिडीह के लिए किए कुछ नहीं है, न रेल है, न यहाँ कुछ है कोई सुविधा है, न बिजनेस की कोई भी समस्या को दूर नहीं करते। आज गिरिडीह टाउन में घुस जाए तो उनको पहचानेंगे नहीं लोग। अच्छा, कहीं भी चले जाइए, बिजली की समस्या हमेशा इतना विकराल रूप क्यों लेती है? ये तो वो झारखंड है जो कि कोयले के नाम पे नंबर वन है, पूरी दुनिया को बिजली मिल रही है, झारखंड का हाल ऐसा क्यों है? उत्पादन कम है झारखंड में और इसीलिए बिजली का यहाँ जो है डिमांड ज़्यादा है, इंडस्ट्री भी है तो इंडस्ट्री का भी डिमांड है, इसीलिए उपभोक्ताओं को बिजली जो है सुचारू रूप से नहीं मिल पा रही है, मेन कारण वही है। अच्छा, ये बताइए शिक्षा का क्या हाल है? शिक्षा का हाल तो सबको ही पता है कि झारखंड से लोग बाहर जा रहे पढ़ने के लिए, यहाँ शिक्षा का स्तर बिल्कुल ही एकदम निम्न है, बस हाई सेकेंडरी तक आप यहाँ पढ़ सकते हैं, उसके बाद आपको झारखंड छोड़ के बाहर ही जाना पड़ेगा, दूसरे स्टेट में जाके ही आपको शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। अच्छा, 5 साल में सांसद कुछ दे पाए? खाली आश्वासन दे पाए 5 साल में, काम तो कुछ नहीं हुआ, उनके द्वारा जो भी काम हुआ वो केंद्र सरकार का काम है, सांसद महोदय को तो हम लोग ठीक से पहचानते भी नहीं है। सांसद महोदय को जानते भी नहीं है? हाँ, नहीं, फोटो से जानते हैं कि वो सांसद महोदय, लेकिन देखा नहीं है उनको शहर में कभी। अच्छा, पार्लियामेंट होता है दिल्ली में, ये तो जानते हैं आप लोग, और बड़े सारे मुद्दे रखे जाते हैं,
टीवी पे तो आपने सुना भी होगा, आपके सांसद ने कई मुद्दे रखे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र? आज तक तो हम लोगों ने नहीं देखा, कभी नहीं देखा कि वो ना सांसद में हम लोग की समस्या लेके सांसद में कुछ भी बोले हों, आज तक तो नहीं हुआ। अच्छा, गिरिडीह के लोग चाहते क्या है एकदम सच बताइए, कैमरा के आगे झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं? मूलभूत सुविधा जो होती है बस वो चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, परिवहन सुधरेगा, लोग बाहर जाएंगे, काम करेंगे, पैसा यहीं आएगा ना। अच्छा, देश को आजाद हुए कितने साल हो गए? 75। अच्छा, चुनाव यहाँ पे कब से हो रहे हैं? जब से संविधान बना है तब से चुनाव हो रहे हैं। चुनाव हो रहे हैं, विकास यहाँ पे कब से नहीं मिला है? हमको लगता है आज तक मिला ही नहीं है ढंग से। तो विकास की उम्र मुझे लग रहा है 50 के भी पार हो गई होगी। गिरिडीह का दुर्भाग्य है कि यहाँ से दो दो तीन तीन सांसद रहने के बावजूद गिरिडीह में कुछ भी विकास नहीं हुआ। शिक्षा के लिए कहाँ जाना पड़ता है? हम लोग सब बाहर या वेस्ट बंगाल या फिर कर्नाटका, बेंगलोर वगैरह सब जाते हैं। परिवार को कितने दिन छोड़कर बाहर नौकरी करते हैं? करने वाले करते ही हैं। जाते हैं यहाँ से लोग? बहुत पलायन होते हैं निश्चित तौर पे। यहाँ सबसे अधिक पलायन शिक्षा और रोजगार के लिए है, क्योंकि ना तो यहाँ पे 1952 में एक गिरिडीह कॉलेज बना था, उसके बाद आज तक कॉलेज के क्षेत्र में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। एक एमए की पढ़ाई कभी स्टार्ट होती है, कभी शट डाउन हो जाती है। रीजन क्या है, कोई मुद्दा उठाने वाला नहीं है हम लोग का कि शिक्षा के क्षेत्र में आखिर पलायन क्यों हो रहा है। बहुत से बच्चे, मान लीजिए जो सामर्थ्य है वो अपने बच्चे बाहर भेज दे रहे हैं, लेकिन जो सामर्थ्य नहीं है वो यहीं पढ़ा रहे, तो क्या है उनकी शिक्षा में मजबूती नहीं आ रही है, तो उनका खुद का भी विकास नहीं हो सक रहा। क्या ये लोकतंत्र है जहाँ पर वोट देने का अधिकार है लेकिन वोट के बदले विकास का नहीं? अब देखिए आप लोग, हम लोग तो वोट देते हैं मगर मोदी के नाम पर अभी भी वोट दे रहे हैं, मोदी पर विश्वास है। क्या किया ऐसा देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल? आप बार बार प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे हैं, आप कह रहे प्रत्याशी नहीं कुछ कर पा रहे हैं, सांसद ने कुछ नहीं किया है, तो बताइए ना, जनता देख रही है आपको कैमरे पे, बताइए क्या किया 10 साल प्रधानमंत्री ने? बहुत कुछ किया, इंडिया का नाम आज हर जगह वर्ल्ड में रोशन किया, और जो बोलते हैं आज आना गरीब को अनाज, छत, पानी, शौचालय दिए हैं वही दिए। कहते हैं कि इज्जत घर बनाए बीजेपी ने, ये भी कहा गया कि शिक्षा के नाम पर जो है विकास करने की कोशिश की गई, सड़कों का जाल बिछा दिया, सांसद जी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारे सांसद जी कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे गिरिडीह के सांसद से हमारा यही अनुरोध है कि इस बार जीत के आए तो बढ़िया से बढ़िया काम करें कि आगे जनता आपको इसी तरह प्यार करती रहे। मोदी जी के नाम से आप अगली बार नहीं जीत पाएंगे। चलिए, ये तो पब्लिक है, बार बार अनुरोध करती है और समझाने की कोशिश करती है, पब्लिक के पास तो एक ही ऑप्शन है, बटन दबाए वोट दीजिए, लेकिन कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और पब्लिक इतना प्रयास कर रही है बावजूद इसके क्षेत्र का ये हाल है। मोदी के नाम पे जो भी होगा इस बार सिर्फ मोदी के नाम से ही जितना गारंटी मानता है कि मोदी का नाम ही गारंटी है, तो इसी कारण से आने तो हम लोग तो आज तक चंद्र प्रकाश चौधरी जो हमारे एमएलए एमपी है वो आज तक हमको दिखे नहीं है। अच्छा, गिरिडीह में सबसे बड़ी कमी क्या है यूथ के लिए? सबसे बड़ा कमी है रोजगार, यहाँ पे रोजगार युवा लोग को मिलता ही नहीं है। रोजगार अगर मिल रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है तो सैलरी उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, तो और सरकारी नौकरी का यहाँ पे कोई निकल ही नहीं रहा, वैकेंसी निकलता है तो एग्जाम देने का टाइम में उसको रद्द कर दिया जाता है। हाँ, और बाकी यहाँ जो युवा लड़के लोग उतने शिक्षा को आगे नहीं लेके जा पा रहे, शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जो कि आगे जाकर बाहर जाकर पढ़ सके, उतना रोजगार नहीं है, पैसे नहीं है। अच्छा, वर्तमान की सरकार है राज्य में, अगर मैं बात करूँ गठबंधन की, क्या हाल है सरकार की? सरकार की हालत तो बहुत ही खराब है, बिजली की व्यवस्था एकदम नहीं है, पानी की व्यवस्था एकदम नहीं है, सड़कें जो शहर के अंदर है, गडकरी जी ने बाहर की तो बहुत सड़कें बनाई, बहुत बढ़िया है, जो धनबाद जाना है या डुमरी जाना है, पर जो गिरिडीह के इनर सर्कल की सड़कें वो इसकी हालत बद से बदतर होते जा रही है। नगर निगम का हालत बहुत खराब है, नगर निगम में यहाँ पे आप सरकार, राज्य सरकार के द्वारा जो जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वही चला रहे हैं उसको, उसकी भी हालत बद से बदतर होते जा रही है, गंदगी जहाँ तहाँ पड़ी रहती है, प्रदूषण का तो बुरा हाल है। अब हमारी जो यहाँ सबसे बड़ी एक जीवनदायिनी नदी है उसरी, उसका उसमें सारे गिरिडीह का नाली का पानी जाता है, वो हमारे जो जीवनदायिनी, छठ पूजा मनाते हैं हम लोग, अगले दिन वहाँ हमारे जो जो छठ पूजा से वापस आए उनके पैर में खुजली ये सब चल रही थी। इतने पवित्र त्यौहार जो हम लोग मनाते हैं उस नदी में, वो नदी पूरी प्रदूषित हो चुकी है पूरी तरीका से। राज्य सरकार पर एक लंबी फेरिस्त आपके पास है, बहुत लंबी, फटाफट बता दीजिए सांसद का क्या हाल है? सांसद का हाल ऐसा है कि मोदी जी द्वारा लगातार काम किया जा रहा है, तो क्या है कि सांसद का काम होता है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का, नहीं पॉलिसी बनाने का। तो अगर आप देखेंगे तो पॉलिसी हमारा राम मंदिर का एक मुद्दा है, दूसरा हमारा मुद्दा है हमारा क्या बोलते हैं 370 धारा का, तो उसमें वोट कौन किया है? वहाँ के सांसद किए हैं हमारे,
हमारी जो सांसद महोदया है या सांसद है यहाँ के, उन्होंने उनके पक्ष में वोट डाला है, तो इसके कारण से हम उनको समर्थन करते हैं। लेकिन वही जब पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का काम है वो राज्य सरकार का काम है, एग्जीक्यूटिव उनके पास है, एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास है, पर वो पूरी तरीके से फेल। सांसद की अगर बात करूँ लोकल लेवल पे, रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, सड़कों को लेकर, इसके अलावा विकास को लेकर, ये कुछ मुद्दों पे बेसिक काम हो पाए हैं? मेरे ख्याल से तो हो पाए। अगर सड़कें देखेंगे आप तो, अगर जो सांसद के अधीन नेशनल हाईवे होते हैं वो चारों ओर बने हुए हैं, नल घर योजना हर गांव गांव तक पहुंच रही है, पीएम आवास योजना, अगर आप यहां से इस गली मोहल्ले से अगर आप निकलेंगे इतने ज्यादा पीएम आवास योजना मिले, और सिर्फ गरीब, मतलब कि ये कोई धर्म निरपेक्ष सरकार की एक ये उपलब्धि कहूंगा मैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग को भी ज्यादा से ज्यादा घर मिला इस एरिया में, जो झगड़ी का इस एरिया है या अगल बगल का एरिया, सबसे ज्यादा अगर घर मिले तो मुस्लिम समुदाय के लोग। चलिए, थोड़ा सा युवा लेकिन समझदार युवा, ताली बजाइए, कम से कम कुछ कंटेंट तो बोल रहे हैं। थोड़ा कैमरा इधर घुमाइए। प्रधानमंत्री कहते हैं, किनसे बात करूं, लोग तो बहुत है, शुरुआत कर देती हूं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास होगा। जानते हैं देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। चलिए, जानते हैं आप, फिर आराम से बात कीजिए, डरिए मत, थोड़ा मैं देख रही हूँ चेहरे पे जो है नर्वस आपका फील आ रहा है, आराम से एकदम रिलैक्स हो जाइए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास होगा। झारखंड की बात करूं तो क्या हाल है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सांसद को जानते हैं कौन? नहीं जानते हैं। सांसद जी को नहीं जानते? वोट देने गए थे लास्ट टाइम? गए थे लेकिन चेहरा भी नहीं देखे आज तक। तो आंखें बंद करके वोट का बटन तो नहीं दबा के आए थे? सिर्फ छाप पे दिए थे बस। चलिए, मत बताइए किसको दिए थे, लेकिन थोड़ा तर्क के साथ बातचीत कीजिए। आप बताइए, जनसंख्या हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो सरकार अभी प्रेजेंट में काम करने की कोशिश कर रही है और जो काम हो चुका है, उसको ये जनता देखती है कि भविष्य में तीसरी बार मौका मिल सकता है? राम मंदिर का मुद्दा हो या धारा 370 का मुद्दा हो, इसी सब या देश का विकास हो, और मुद्दा हो, आज नेशनल हाईवे सब जगह बन रहा है और कॉरिडोर सब जगह बन रहा है, उसी सब मुद्दे को लेकर के तुम मोदी जी आ रहे तीसरी बार, जिनका 400 पार का नारा है, इसी सब मुद्दे को लेकर के। हमारे गिरिडीह से 50 किलोमीटर दूर में गोड्डा लोकसभा है, अब वहाँ के सांसद को देख लीजिए, मतलब विकास का जाल बिछा दिए, अगर वो अपने घर में बैठे रहे ना तभी निर्विरोध जीतेंगे। बड़ा कॉन्फिडेंट है। पड़ोस वाली लोकसभा क्षेत्र पे अपने वाले में बहुत टेंशन है, ये 50-50 हो रहा है या सर सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है, चल क्या रहा है? क्या चीज में संसद में 50-50 का तो नहीं है, मोदी जी तो आ रहे हैं और 400 पार है इस बार, वो होना ही है। गिरिडीह का क्या हाल है सर? गिरिडीह का गठबंधन तो उम्मीद कम है, एनडीए जीत रही है। एनडीए जीत रही है, इंडिया गठबंधन में कोई मजबूत लीडर लगता है आपको? झारखंड के अंदर तो बहुत बढ़िया कोई लीडर वैसा तो है नहीं, क्योंकि गठबंधन के अंदर अगर देश की स्थिति देखे तो देश के स्तर पर भी कोई बढ़िया लीडर सामने अभी तक नहीं आया, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट ही अनाउंस नहीं किया है, तो बढ़िया लीडर फिर कहां से आएगा? बिल्कुल, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे थे गिरिडीह लोकसभा से हमारी साथी जो भावना है वो दिखा रही थी कि गिरिडीह लोकसभा में जनता का क्या मूड है। फिलहाल जनादेश के इस खास कार्यक्रम में मैं आपको रांची लोकसभा से दिखाता हूं कि यहां पर जनता की क्या राय है और जनता के आदेश यानी कि जनादेश को जानने हम पहुंचे हैं रांची के इरगू टोली में और कुछ मतदाता हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में जब मतदान केंद्र पर जाएंगे अपने मत का प्रयोग करने के लिए, जब ईवीएम का बटन दबाएंगे तो क्या मुद्दा होगा, क्या सोचकर मतदान करेंगे इस बार? राजस्थित क्या सोचकर मतदान करेंगे इसमें? राष्ट्रहित, विकास का, जो विकास का कार्य होता है, जो हो रहा है, उसको देखते हुए हम लोग वोट करेंगे। क्या विकास का कार्य अब तक आपको दिखा है? तक योजना जो मिला है, आवास योजना, आयुष्मान योजना और आयुष्मान राशन कार्ड भी है उसे साथ जुड़ा हुआ, बहुत तरह का योजना है, बैंक का खाता खुला सरकार के द्वारा, खाता करीब 45 करोड़ से ज्यादा ही खुला होगा, वो खाता खुला है।
उन योजनाओं का लाभ आपको या फिर इरगू टोली के पास रहने वाले स्थानीय लोगों को मिला? बिल्कुल मिला है। इस क्षेत्र में कम से कम ऐसे सलम क्षेत्र है और लगभग लगभग हर घर में योजना है, हर घर में योजना मिला हुआ है और लोग यहाँ पर हैं, लोग से भी जान सकते हैं, मुझे भी मिला है। बिल्कुल, इस बार मोदी जी की गारंटी चलेगी? बिल्कुल चलेगी। क्यों? क्योंकि आज तक हमने जो भारत को विकसित होते देखा है, मुझे याद है कांग्रेस के शासनकाल में केवल घोटाला होते देखा है, आज मोदी जी के शासनकाल में भारत केवल और केवल विकसित हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, भारत के मेडिकल के क्षेत्र में, भारत के किसी और भी क्षेत्र में आप देख ले, भारत जितना विकसित हो रहा है और जितना कार्य हो रहा है, मुझे लगता है कि आज से पहले कभी ऐसा कार्य नहीं हुआ। पिछले 10 साल के दौरान में हमने देखा है मोदी जी का पांच होते हुए दूसरे देश के प्रधानमंत्री को, यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हमसे यही है आशा कि इस बार भारत के शासन में फिर से मोदी जी बैठेंगे और अब जो बचे हुए कार्य हैं आने वाले 5 साल के बाद, वो भी पूरे मोदी जी के शासनकाल में होंगे। राहुल गांधी विकल्प नहीं है आप लोगों के लिए? राहुल गांधी विकल्प है, वो बीजेपी के स्टार प्रचारक है, क्योंकि वो जिस मुद्दे को भी छेड़ते हैं वो मुद्दा उल्टा जाता है उनके खिलाफ। आज भारत की जो स्थिति है, भारत का जो निचला तबका है, मोदी जी की सारी योजनाएं वहां पहुंच रही है। पहले राजीव गांधी का कहना था 1 रुपया भेजते 10 पैसा पहुंचता है, आज जो ये जनधन खाता खुला है उसमें जितने भी लोग हैं उनको जितना पैसा भेजा जाता है पूरा आता है, घोटाला पूरा नहीं है, एक भी नहीं होता है। अभी सबसे अच्छी बात मैं बताना चाहूँगा कि जो ये सरकार चल रही है, ये सरकार सबके लिए बराबर काम कर रही है, इसमें कोई बड़ा कोई छोटा, कोई जात कोई धर्म कुछ नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए सरकार काम नहीं कर रही है, स्लम बस्ती के लिए काम नहीं कर रही, कोई भी योजना आती है उसमें कहीं एक टैगलाइन नहीं रहता है कि इनके लिए नहीं है, ये योजना सबका साथ सबका विकास ये योजना है, इसीलिए हम लोग सभी कोई मोदी जी को पसंद करते हैं। बिल्कुल, कुछ युवा हैं उनसे बात करेंगे कि इस बार जो है वो राम मंदिर आप लोगों के लिए मुद्दा होगा? हाँ जब कोश, जरूर जरूर, राम बड़ा बहुत बड़ा मुद्दा हुआ है। बीजेपी सरकार ने कोई 500 साल का एक नया इतिहास सामने रच दिया गया है। भारत देश में गौरव की बात है, मोदी जी की सरकार में बहुत अच्छा काम हुआ है और आगे भी करते रहेंगे। जी, लोकसभा के इरगू टोली में है, कुछ स्थानीय लोग हैं, मतदाता हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 में क्या मुद्दा होगा उनके लिए। एक महिला है, उनसे बात करते हैं कि दीदी इस बार जब जाएंगे ईवीएम का बटन दबाने, वोटिंग करने, तो क्या मन में सोच के जाइएगा कि किसको वोट किया जाए, कौन पार्टी का बटन दबाया जाए? मोदी जी को देंगे वोट। मोदी जी को क्यों दीजिएगा, राहुल गांधी भी तो हैं। नहीं, मोदी जी बहुत कुछ किए हैं, हम लोग का खाता खुलवाए हैं, फ्री में पैसा भी डालते थे और अच्छा काम किए हैं, बच्चा लोग के भी मेरा पैसा वैसा देते हैं पढ़ाई के लिए। और क्या क्या मिला? आयुष्मान कार्ड, शौचालय, नए घर, राशन मिलता है? राशन मिलता है, मेरा घर नहीं है, वो घर चाहिए हमको, घर मोदी जी करेंगे तो ठीक है। तो प्रधानमंत्री वाला फार्म भरे हैं? प्रधानमंत्री वाला फार्म तो नहीं भरे हैं। आप इस बार जब जाइएगा मतदान केंद्र पर वोट करने के लिए, तो क्या सोचकर वोट कीजिएगा कि किसको वोट किया जाए, कौन आपके लिए देश के लिए सही? मोदी जी। क्यों? कि वो सब अच्छा करते हैं, विधवा पेंशन यार बनाए हैं। आपका विधवा पेंशन बन गया? हाँ बन गया। राशन पानी, राशन वशन मिल ही रहा है। कितना हाँ। लोग हैं यहाँ पे आसपास आपके पहचान में जिनको मतलब हर महीने राशन मिल जाता है? कितना नहीं, 50 लगभग सब लोग हैं मोहल्ले का, हर घर में राशन मतलब वितरण होता ही है, मिलता ही है सबको। जो स्थानीय सांसद हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, कभी आते हैं आपके मोहल्ले में जानने समस्या? जी हाँ, हमेशा आते हैं, साल में लगता 2-3 बार आ जाते हैं, हम लोग को समस्या भी जानते हैं, समस्या का समाधान भी करते हैं हर तरह का। बिल्कुल, कुछ और युवा हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आप युवा हैं, आपके लिए क्या मुद्दा होगा इस बार? मेरे लिए ये मुद्दा होगा कि मैं मोदी जी को वोट दूंगा। मोदी जी के आने के बाद बहुत विकसित हुआ है, बहुत विकास हुआ है इस पूरा इंडिया का, जैसे कि सड़क, फ्लाइंग ओवर हर जगह बनना,
हर चीज क्या, हर सिक्योरिटी बनना, हर एक चीज जो हर एक चीज पॉपुलर होना चाहिए वो चीज हुआ मोदी जी के आने के कारण, और फिर से आना चाहिए मोदी जी। क्या करते हैं अभी आप, पढ़ाई करते हैं या फिर कहीं जॉब करते हैं? अभी मैं स्टडी करता हूँ। आपको लगता है कि बीते 10 साल में मोदी सरकार में शिक्षा को लेकर कोई बड़ा बदलाव हुआ या बेहतर काम हुआ? बहुत बदलाव हुआ है। क्या हुआ? बहुत बदलाव हुआ है। इससे पहले स्कॉलरशिप नहीं मिलता था, अभी स्कॉलरशिप मिलता है। यूनिवर्सिटी नहीं था, यूनिवर्सिटी में बहुत स्टूडेंट लोगों को स्कॉलरशिप मिला है। बिल्कुल, कुछ और लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जब लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे तो क्या मुद्दा होगा आपके लिए। स्थानीय मुद्दा को अगर छोड़ दे तो चूंकि लोकसभा का चुनाव है, जब लोग वोट करेंगे तो राष्ट्रीय मुद्दा को देखकर करेंगे। आप क्या सोचकर वोट करेंगे? पीओके को लेना है ना, इसलिए मोदी जी को वोट देना जरूरी है। उसके अलावा कोई नहीं कर सकते, मोदी जी पीओके के ले सकते हैं भारत में। अच्छा, बीते 10 सालों में मोदी जी का इतना गुणगान हो रहा है, 60 साल कांग्रेस की भी सरकार रही। 60 साल में खाली घोटाला हुआ ना, जितना आज यूनिवर्सिटी बना है झारखंड में या पूरा देश में यूनिवर्सिटी जितना बना है उतना कांग्रेस सरकार बना पाया है? ना बना पाएगा। पहला बात तो यही है, यहाँ का प्रत्याशी जो कांग्रेस से खड़ा है उसे कोई नाम नहीं जानता है, तो वोट का देगा? नाम तो जानना चाहिए। कौन है कोई जानवे? संजय सेठ तो हमको लगता है 200 बार आ जाते हैं, घूमते फिरते आ जाते हैं, तो आदमी उसको ना वोट देगा जिसको जानता है? जिसको जानवे नहीं करता उसको कहाँ वोट देगा? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत की जो है वो अवधारणा, वो सपना देखा है, कहा है कि अभी 10 साल जो है ये टेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। क्या लगता है कि अगर इस बार आप लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेगा तो और क्या देखना चाहते हैं कि क्या और कुछ करें मोदी जी? बहुत चीज सुधार सकेंगे, 5 साल में बहुत चीज सुधार देंगे। वो हमने सोचे हैं, पूरा मोदी जी सोचे हैं, पूरा सुधार देंगे, पूरे जहां मोदी जी रहते पूरे सुधार देंगे। झारखंड हुआ, बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ, बंगाल हुआ, पूरे मोदी जी सुधार देंगे। क्या उम्मीद है कि अगर इस बार मौका मिलता है तो क्या परिवर्तन देखना चाहेंगे? दो है हमारा मकसद, पहला तो पीओके और दूसरा मथुरा, यही हमारा है। काशी है, मथुरा है और पीओके है, और ये हमें पता है कि आने वाले वर्षों में ये पूरा मोदी जी के ही शासनकाल में होगा। आप राहुल गांधी की बात कर रहे थे, फवाद चौधरी जी का एक बयान आया है ट्विटर पे, पाकिस्तान के जो मंत्री है वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनना चाहिए, उनका सपोर्ट है। जो पाकिस्तान आतंकवादियों का गढ़ है वो हमारे कांग्रेस के पप्पू गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का वो सपना देखते हैं। आपको लगता है कि भारत का एक एक बच्चा उसको प्रधानमंत्री बनाना चाहेगा? जिस गांधी परिवार के शहजादे हैं, जो पप्पू गांधी हैं, जो चांदी के चम्मच और प्लेट में करके इतना बड़ा भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने किया, देश भर का जो भ्रमण किया, खुद टूटे हुए टीम के हैं जो कि 40 से 50 सीट नहीं ला पाते हैं। भारत जोड़ो ने वो भारत तोड़ो कर रहे हैं। अभी जो उन्होंने जातीय जनगणना की बात की है, हम बस इस मीडिया के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी अपनी जाति में क्या लिखेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो उनसे क्या जाने, वो लोगों को भड़काते हैं, तोड़ते हैं। उनका जो मोटो ही है कि यहाँ से यहाँ की कमजोरियों को, अभी देखिए अब जाके न्यूयॉर्क में वो भारत की बुराई कर रहे थे। अगर आपके घर में कुछ अगर खटपट होता है तो घर का मुद्दा घर में होना चाहिए। इन्हीं सब हरकतों से कांग्रेस देश से विलुप्त होते जा रही है, उनको दूरबीन से खोजना पड़ेगा एक समय। हम लोगों के लिए जो भी काम हुआ है इन्हीं 10 सालों में हुआ है, और हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी बार बार आए और इस देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार रहे हैं। आप खुद यहाँ सोचिए कि रांची झारखंड अलग हुए इतने साल हो गए, लगभग 20-22 साल हम लोग मतलब देखे हैं, है ना, एक फ्लाईओवर नहीं बना था यहाँ पर, आज इतना सारा फ्लाईओवर सांसद महोदय के कारण से बन रहा है, तो ये तो विकास ही है ना, बस इसी बिल्कुल बिल्कुल। मैं जिस जगह मौजूद हूँ रांची लोकसभा के इर्गू टोली में, फिलहाल अगर दर्शकों की मतदाताओं की माने तो यहाँ पर एक बार फिर से मोदी की गारंटी काम करेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।